अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर किए, आपके सर्टिफिकेट में किसी भी तरह का गलती हो चुका है, आपके नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ या किसी भी प्रकार का गलती हो चुका है, तो उसे आप सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सर्टिफिकेट सुधार करना बहुत मेहनत की काम, बहुत मुश्किल की काम है, बहुत ज़्यादा रुपये खर्च होता है, फिर भी आपको जल्दी सुधार नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट हम प्रोसेस बता पाएंगे, आप बड़ी ही आसानी से अपने सर्टिफिकेट को सुधार कर सकते हैं, चाहे मैट्रिक के सर्टिफिकेट हो या इंटर के सर्टिफिकेट हो, किसी भी सर्टिफिकेट, कोई भी चीज़ अगर गलती हो चुका है तो आप सुधार कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, कौन सा फॉर्म फिलअप करना हो, कहाँ फिलअप करना हो, कहाँ सबमिट करना हो, कैसे सबमिट करना हो, क्या चार्ज लगेगा, पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ अगर आपका मैट्रिक इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन कार्ड वो भी खो गया है तो वो भी डुप्लीकेट आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आप जानने वाले हैं। इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी के लिए आप जिसान मॉनिटर की वीडियोस लिस्ट में जरूर आएं, और यहाँ पे आपके काम के ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है, तो यहाँ से आप अपने काम के हिसाब से अपना वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये फॉर्म है जो कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इस फॉर्म का भी लिंक हम आपको वीडियो के ये आप फॉर्म देख सकते हैं जो कि पीडीएफ है। ये पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में फॉर्म है और इस पीडीएफ में फॉर्म है और कितना चार्ज लग रहा है पूरी चीज इस वीडियो में बताया गया है, और कैसे फिलअप किया जाता है वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, और कहाँ जमा करना है वो अभी हम बताएंगे। सबसे पहले ये फॉर्म गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में त्रुटियों की निवारण हेतु आवेदन। तो आप देख सकते, मतलब जो भी गलती है उसको सुधारने के लिए आवेदन पत्र है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बता रहा है कि परीक्षा का नाम, यानी कि पूछ रहा है कि परीक्षा का नाम, तो परीक्षा का नाम यहाँ पे आपको, अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट को आप सुधार करना चाहते हो तो आपको माध्यमिक लिखना होगा, अगर इंटर करना चाहते हो तो उच्च माध्यमिक, या अदर कोई एग्जाम है तो यहाँ पे अन परीक्षा आपको लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षा का वर्ष जो आपने जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट कर रहे सुधार, तो वो किस साल आपने मैट्रिक किया था, अगर इंटर कर रहे हैं तो इंटर आपने किस साल किया था वो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है, वर्ष देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल कोड देना होगा, मैट्रिक का सुधार कर रहे तो मैट्रिक का रोल कोड, अगर इंटर का सर्टिफिकेट सुधार करेंगे इंटर का रोल कोड, रोल नंबर, रोल कोड, ठीक है। उसके बाद अगर मैट्रिक में इसको लागू नहीं होता है, अगर इंटर में, अगर इंटर का अगर आप सुधार कर रहे हैं तो साइंस था आपका या आर्ट्स था, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो उसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है किस किस चीज़ में आप सुधार कर सकते हो, आप देख पा रहे हैं, अपना नाम को सुधार कर सकते हैं, फादर्स नेम सुधार कर सकते हैं, मदर्स नेम सुधार कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि सुधार कर सकते हैं, लिंग सुधार कर सकते हैं, धर्म सुधार कर सकते हैं, फोटो सुधार कर सकते हैं, विद्यालय का नाम, पंजीयन में सुधार, परीक्षा फल तथा अंक श्रेणी में सुधार, ठीक है, और अन सुधार भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अन सुधार कर सकते हो, और उसको स्पष्ट करना होगा कि आप क्या सुधार करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिसमें भी आप सुधार करना चाहते हैं उसके सामने जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में इस तरह का टिक मार्क लगाना होगा, और जिसको सुधार नहीं करना होगा उसमें इस तरह आपको कट्टो का निशान, यानी कि गलत का निशान, यानी कि सुधार नहीं करना, जो भी चीज़ सुधार करना उसमें आपको टिक मार्क इस तरह लगाना होगा। तो आप समझ गए, जैसे कि नाम सुधार करना है तो नाम में आपको टिक लगाना है, अगर फादर्स नेम सुधार करना है तो फादर्स नेम में टिक लगाना है, उसके बाद सभी बॉक्स में आपको इस तरह का कट्टो का निशान आपको देना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे, ठीक है, इस तरह का कट्टो का निशान इसमें देना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ये सुधार करेंगे तो इसमें आपको लिखना होगा फादर्स का पूरा नाम, यानी कि जो गलत है, जो आपके सर्टिफिकेट पे ऑलरेडी है गलत नाम, वो नाम आपको देना होगा। अगर फादर का सुधार करें, फादर का जिसका भी सुधार करें उसको डिटेल देना होगा जो पहले से गलत है, और इसको चेंज करके न्यू क्या देना चाहते हैं आपको वो इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है। जिस जिस में आप सुधार करना चाहते हो उसमें टिक मार्क लगाएंगे, और पहले से जो सर्टिफिकेट पे नाम है वो नाम डालेंगे, और उसको सुधार करके न्यू क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, उसके बाद कह रहा है आवेदनकर्ता उपयुक्त कॉलम 1 से 5 तक में अंकित सुधार हेतु एक ही आवेदन दे सकते, यानी कि 1 नंबर क्रमांक से लेकर 5 नंबर तक में किसी एक में ही आवेदन आप दे सकते एक साथ सुधार करने के लिए, ठीक है। चाहे 1 नंबर वाला सुधार कीजिए, 5 नंबर वाला, ये 1 से 5 तक के बीच में कोई एक ही चीज सुधार कर सकते एक आवेदन के साथ, ठीक है। जब ये सुधार हो जाएगा फिर आप आवेदन देके फिर दूसरे चीज को सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ आपको 1 से 5 तक में एक ही कोई चीज सुधार करना होगा। उसके साथ दिया गया पूर्ण कॉलम 6 से 8 तक सुधार हो तो फिर तक, उसके बाद जो कॉलम है इसमें आप जिसमें भी और जो जिसमें लग
सुधार करना चाहे तो उसमें टिक मार्क आपको लगा देना होगा, ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो ये सब प्रूफ आपको देना होगा, ओरिजिनल तथा जीरोक्स। यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ कॉपी आपको भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे दिया गया कह रहा है कि आवेदन पत्र के साथ आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट देने होंगे जो कि जांच के उपरांत के बाद काउंटर पर लौटा दिया जाएगा, ठीक है। आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है और जीरोक्स कॉपी लेके जाना है। आपको जांच के बाद आपका जो ओरिजिनल कॉपी है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र लेना है, साथ साथ आपको जीरोक्स कॉपी भी लेना है, अंक पत्र भी लेना है ओरिजिनल और जीरोक्स, प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, पंजीयन लेना होगा SLC या CLC जो भी हो वो आपको लेना होगा। उसके बाद प्रथम श्रेणी दंड अधिकारी निर्गत शपथ पत्र आपको एक लेना होगा, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल तथा जीरोक्स कॉपी लेना होगा इस फॉर्म के साथ। उसके साथ यहाँ विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के फादर्स नेम, उसके बाद विद्यार्थी का पूरा एड्रेस, ग्राम, पोस्ट, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर देना होगा, विद्यार्थी का हस्ताक्षर एवं तिथि। ये जो फॉर्म आपको फिलअप करना है ये सारा चीज आपको अंग्रेजी में फिलअप करना होगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट पे भी आपका नाम वगैरह अंग्रेजी में ही रहता है, तो आपको ये फॉर्म अंग्रेजी में ही फिलअप करना होगा, हिंदी में फिलअप नहीं करना होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट पे नाम अंग्रेजी में रहता है, इसलिए आप इस फॉर्म को अंग्रेजी में ही फिलअप करेंगे अपनी डिटेल को, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैट्रिक की है तो मैं हाई स्कूल के जो भी प्रधान अध्यापक उनसे सिग्नेचर करवा लेना है। अगर इंटर का सुधार कर रहे हैं तो वहाँ के जो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे उनसे आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है। इस फॉर्म के साथ यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को लेकर ओरिजिनल कॉपी प्लस फोटो कॉपी जीरोस कॉपी लेकर आपको जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा वो आपको दिखा देते, जो कि दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदनकर्ता इस आवेदन पत्र को अपने संबंधित प्रमंडलीय जिला मुख्यालय, यानी कि हर प्रमंडल में बिहार बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है, हर प्रमंडल में, यानी कि हर प्रमंडल जो होता है बिहार में 9 प्रमंडल है, हर प्रमंडल में एक बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है, तो वहां पे आपको इस फॉर्म के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना होगा। जैसा कि देखो संबंधित प्रमंडल जिला मुख्यालय में अवस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय के काउंटर पर जमा करें। इस फॉर्म के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तथा जीरोक्स के साथ आपको इस कार्यालय में जमा करना होगा, ठीक है। ये आपको फिलअप नहीं करना है क्योंकि ये कार्यालय उपयोगी, ये कार्यालय खुद भरेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। इस फॉर्म के साथ और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बताया गया है, इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको ओरिजिनल तथा हार्ड ओरिजिनल तथा जीरोक्स कॉपी, तो इस डॉक्यूमेंट के साथ ओरिजिनल जीरोक्स और इस फॉर्म के साथ आपको अपने क्षेत्रीय कार्यालय जो वहाँ पे जमा करना होगा, ठीक है। ये तो हो गया है कि मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट में सुधार करने का प्रोसेस, और साथ साथ यहाँ पे बताया गया है क्या चीज सुधार करने में क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। ये पीडीएफ में आपको सारी चीज मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और यहाँ पे अगर आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट हो या रजिस्ट्रेशन हो या एडमिट कार्ड हो, किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपका खो गया हो या फट गया हो या नहीं मिल रहा है, तो आप डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं। सेम उसी तरह आपको ये फॉर्म को फिलअप करना होगा और ये कार्यालय में आपको जमा करना होगा जो मैंने आपको बताया। इसमें आपको यही लिखना है कि मैट्रिक का है कि इंटर का, वो लिखना होगा, परीक्षा का वर्ष लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, रोल कोड लिखना होगा, मैट्रिक में इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर इंटर का निकलवाना चाहते हैं साइंस था कि आर्ट था वो आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मूल प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं, अंक प्रमाण तो मार्कशीट निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन निकालना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड निकालना चाहते हैं, प्रोविजनल, अगर एडमिट कार्ड निकालना है तो आपको यहाँ पे अदर सर्टिफिकेट को सेलेक्ट करके एडमिट कार्ड लिख देना, जो भी निकालना है आपको उसको टिक मार्क लगाना है, ठीक है। और जो नहीं निकालना उसमें आपको इस तरह का गलत का निशान लगा देना है, जो निकालना उसमें टिक मार्क का कुछ इस तरह का आपको लगा देना है। ये फॉर्म कंप्लीट हो गया और इस फॉर्म के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, ठीक है, जो कि देख सकते हैं। इसमें भी आपको ओरिजिनल तथा जीरोक्स कॉपी दोनों, ओरिजिनल तो इसमें नहीं है क्योंकि ओरिजिनल खो गया है, तो इसका जो जीरोक्स कॉपी अगर आपके पास है, ठीक है, तो ये सभी के जीरोक्स कॉपी प्लस ओरिजिनल कॉपी आपको देना होगा, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, यहाँ पे आपको जो अवेलेबल नहीं उसको आप खाली छोड़ सकते, जो अवेलेबल हो उसकी ओरिजिनल कॉपी तथा जीरोक्स कॉपी आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, उनका फादर्स नेम, ग्राम, पोस्ट, जिला, पिन कोड, उनका मोबाइल नंबर, अब विद्यार्थी का, स्टूडेंट का हस्ताक्षर पत्र प्लस तिथि यानी कि डेट, यहाँ पे भी सिग्नेचर करवाना अपने कॉलेज के प्रधानाध्यापक से, ठीक। इसी तरह आपको ये भी फॉर्म डुप्लीकेट लेने के लिए ये फॉर्म
और ये सर्टिफिकेट के साथ ओरिजिनल जीरोस के साथ आपको ये कार्यालय को विजिट करना होगा, इस कार्यालय में आपको जमा करना होगा। ये तो हो गया फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, कहाँ पे क्या भरते वो समझ गए, क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो भी समझ गए, कहाँ पे फॉर्म जमा करना वो भी आप समझ गए। चलिए अब आते हैं कि सबसे पहले ये बात याद रखिए, ये जो है ये तो इसकी जो चार्ज है ये हम कैसे पता कर पाएंगे कि सुधार करने में क्या चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैट्रिक का अलग चार्ज है सुधार करने का, ये डुप्लीकेट निकालने का, इंटर का डुप्लीकेट निकालने का अलग चार्ज है, ठीक है। और इस पीडीएफ में ये नहीं बताया गया कि करेक्शन करने का क्या चार्ज है। यहाँ पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकालने का, जैसे कि अगर आप मैट्रिक से है, यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक, अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप निकालना चाहते हैं तो उसकी चार्ज आपको 250 रुपये देनी होंगी, और उसके साथ क्या सर्टिफिकेट मतलब कि प्रूफ देना होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर निकालना चाहते हैं मैट्रिक के तो उसके क्या चार्ज देने पड़ेंगे वो देख सकते हैं। डुप्लीकेट मार्कशीट निकालना चाहते हैं यानी कि जीरोक्स एक नया अगर खो गया हो तो उसकी क्या चार्ज देना होगा, माइग्रेशन की क्या चार्ज देना होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड की क्या चार्ज देना होगा डुप्लीकेट निकालने के लिए, ABC का क्या चार्ज देना होगा वो देख सकते हैं, और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो क्या मैट्रिक की, अगर इंटर की बात करें तो इंटर का अगर आप सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं तो उसकी क्या चार्ज लगेगी, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और यहाँ पे प्रोविजनल की क्या क्या चार्ज है, क्या डॉक्यूमेंट है, आप ये पढ़ लीजिएगा बड़ी आसानी से क्योंकि हिंदी में दिया गया है, ठीक है। विद्या आवेदन जो कि आवेदन पत्र मैंने ऊपर दिखाया, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट लेंगे तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अंक पत्र, पंजीयन, शपथ पत्र का जो फॉर्म है ये आपको क्षेत्रीय कार्यालय में मिल जाएगा आराम से, वहां से आप उस फॉर्म को फिलअप करके शपथ पत्र बना सकते हैं। जिस भी सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट कॉपी लेना होगा वो उसका चार्ज आप देख सकते हैं और साथ साथ डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। इसी तरह मैट्रिक इंटर में क्या क्या आपको कौन से सर्टिफिकेट डुप्लीकेट निकालने में क्या चार्ज लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और सुधार करने में कौन सा फॉर्म क्या चार्ज वगैरह लगेगा, वो सारी चीज़ आप इस वीडियो में जान चुके हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा।